सुशांत सिंह राजपूत और उनकी फ्रेंड स्मिता पारेख ने एक बार फिर इंटरव्यू में कई इम्पोर्टेंट डिटेल पर से पर्दा हटाया है। स्मिता सुशांत को 2017 में एक लिटरेचर फेस्टिवल में मिली, जहां सुशांत गेस्ट लेक्चरर बनकर पहुंचे थे। स्मिता और सुशांत काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए और स्मिता सुशांत की सिस्टर और ब्रदर इन लॉ की भी फ्रेंड बनी। स्मिता ने कहा, आई बिगैन लूजिंग टच विद सुशांत अराउंड ऑगस्ट 2019। टिल देन दे वर वेरी रेगुलरली इन टच। We last interacted when we exchanged greetings in Diwali 2019. After that, there was no response from his side. I wished him on his birthday through Riya Chakravarti's phone too when I texted my best wishes to him, but got no reply, neither from her nor from him. I think he had changed his number by then and I don't think it was conveyed to him. स्मिता ने बताया कि वो फर्स्ट टाइम रिया से सुशांत के घर एक डिनर पर मिली थी, जहां उन्हें सुशांत की नई मैनेजर श्रुति से इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे रिया ही लेकर आई थी। स्मिता ने कहा कि सुशांत के फादर ने उनसे कॉल करके पूछा था कि क्या उन्हें इस डेथ में कोई फाउल प्ले नज़र आ रहा है, और उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। स्मिता ने बताया, देयर इज सो मच ओवर राइटिंग ऑन सुशांत ऑटोप्सी रिपोर्ट। Smita says, adding, I asked Meetu if she saw him hanging. She said no. He was already lying on the bed, adding that there are contradictory statements on who brought his body down and who gave him medicines and which ones. There's too much cover-up and mystery. Smita ne ye bhi kaha, agar Sushant bipolar aur depressed the, to unhone January 2020 mein company kaise kholi? Aur April mein wo COVID-19 victims ki madad kaise kar rahe the? जून में वो अपनी सिस्टर मीतू के साथ एडवांस्ड योगा कैसे कर रहे थे? स्मिता ने कहा कि रिया और मीतू कभी भी नहीं मिले थे, और जब वो लोग आते थे तो रिया अपने घर चली जाती थी क्योंकि फिर झगड़े होते थे। ये बात स्मिता को खुद रिया ने बताई है, लेकिन सुशांत की फैमिली उनके रिया के साथ रहने के डिसीजन को एक्सेप्ट कर चुकी थी। स्मिता ने यह भी बताया कि उनके पास रिया का ही नंबर था और वो सुशांत से बात करने के लिए उन्हें ही कॉल करती थी। स्मिता ने एंड में कहा, द इंक्वायरी विल हैपन, द जस्टिस विल कम, बट वी हैव लॉस्ट सुशांत।